अस्सलाम वालेकुम जनाब, मोहम्मद हफीज़ आपकी खिदमत में जीप किंग चैनल पर हाज़िर हैं। ये जो मैं आपको जीप दिखा रहा हूँ, ये टोटल अलमुनियम में तैयार हुई होती है। इसका जो मेटल होता है वो अलमुनियम होता है, इसको लोहा वगैरह नहीं लगा होता। इसके जो मटेरियल है ना वो अलमुनियम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये अलमुनियम की सारी इसको शीट लगी होती है। तो मैं आपको घूम के दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेंच लगा हुआ है आगे। जो पहाड़ी इलाके में, बर्फ़ वाले इलाके में जब जीप चलती है जाती है, तो ये जो बेंच होता है कुंडा, कई लोग विंच बोलते हैं, कई लोग बेंच बोलते हैं, ये जो कुंडा है पकड़ के खींचने के लिए, कोई और गाड़ी निकालने के लिए, ये पूरा एक किस्म का क्रेन का काम ये बेंच करता है। ये देख सकते हैं आपको, ये जीप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसके ऊपर ये सारा सिल्वर का ये जो शीट वगैरह लगी है। मैं आपको अब जीप जो है अंदर से भी चेक करवाता हूँ, अगर इसका लॉक खुले तो। ये अंदर का इंटीरियर मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देख सकते हैं इसको, ये दरवाज़े पे भी बहुत अच्छा तरीके से पोशिश का काम हुआ है। और ये अंदर से इसकी सीटें बहुत खूबसूरत सी बनी हैं। काम आप जिस तरह का मर्ज़ी कहें आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है पूरा। ये इसका ये स्टेयरिंग है, और ये इसको एलसीडी भी लगी हुई है। इसमें काफ़ी अल्ट्रेशन वगैरह की गई है, ठीक है। पीछे इसके ये है पिकअप टाइप बनी हुई है अच्छे से। ये देख सकते हैं सारा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा सिल्वर का मेटल इसको इस्तेमाल हुआ है। इसको वेल्डिंग वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि इसको सारा सिल्वर का मटेरियल लगा होता है। और मैं अपने चैनल पे ये गाड़ी, ये जीप पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ। ये है थोड़ी सी तंग जगह, जिस जगह पे खड़ी है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। तो जिस भाई ने कोई भी जीपों के बारे में कोई देखनी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।